Now, number 4, the teacher was presented with flowers. तो यहाँ पे बेटा teacher है naming और flowers. Now, number 5, my mother is going to the market. तो यहाँ हमारा mother और market. Mother हमारे आएंगे person में और market place में. Okay? Number 6, many girls were playing in the garden. तो girls एंड गार्डन. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. हमें सिर्फ और सिर्फ नेमिंग वर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है. ओके बेटा, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 फ्लावर्स एंड 3 एनिमल्स दैट यू सी अराउंड यू. जो आपके आसपास कोई भी 3 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं और 3 एनिमल्स के. मैं यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दे रही हूँ, अगर आपको उसकी जगह कोई दूसरा भी अल्टरनेट लिखना हो इजी तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, नंबर 1 इज आर ओ एस ई रोज. फ्लावर में मैंने पहला कौन सा लिया बेटा, रोज. देन एल आई एल वाई लिली. एंड थर्ड इज एल ओ टी यू एस लोटस. ओके, ये हो गए हमारे फ्लावर्स. नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स. तो फर्स्ट मैंने लिया है डी ओ जी डॉग. सेकेंड पे सी ए टी कैट. एंड थर्ड लास्ट एम ओ एन के ई वाई मंकी. ओके बेटा, सो ये हमारी वर्कशीट फिनिश हो गई है. एक एक क्वेश्चन आपको एक एक इंडिविजुअल पेज पे लिखना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने एक पेज पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 आप दूसरे नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 आप दूसरे न्यू पेज पे लिखेंगे. एक ही पेज पे आपको कंटिन्यू नहीं करना है, हमें एकदम क्लीन और अच्छी तरीके से नोटबुक को मेंटेन रखना है. ये आपका इंग्लिश की नोटबुक में ही लिखना है. ओके बेटा, और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.